पीटीआई के एमपीए नजीर चौहान ने तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जमानत पर जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजीर चौहान का कहना था कि अब उनका तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल में जहांगीर तरीन ने उन्हें फोन कॉल तक नहीं की। नजीर चौहान ने कहा कि उन्होंने जहांगीर तरीन को अपना लीडर माना, लेकिन वो इस काबिल नहीं। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे और मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके, कि उसने मेरी ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुझे यूज़ किया गया। जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफ़त थी, जो लोगों के चार चार फेस थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर मानना था और ना वो लीडर होने के काबिल है।